त्योहारों के मद्देनजर शहर के व्यापारियों में कोरोना महामारी की मार का असर भी साफ देखा जा रहा है। आने वाले त्योहार राखी को लेकर व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। भाई बहन का राखी का पवित्र त्योहार 3 अगस्त को देश भर में मनाया जाएगा, जिसके चलते राखी व्यापारियों द्वारा बताया गया है कि इस बार देश दुनिया में कोरोना जैसी घातक बीमारी की मार से जहां पूरे देश में महामारी फैली हुई है, इसका असर व्यापार पर भी पड़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में व्यापार 1/4 हो गया है, इसमें लागत भी नहीं निकल पा रही है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता से प्रतिवर्ष राखियां व्यापार के लिए बड़ी तादाद में इंदौर में बिक्री के लिए आती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते काफी असर पड़ा है। बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बाहरी असर बिल्कुल नहीं आ रहा है। सब बताएंगे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पीछे हटे के माल जाता है तो कोई जान नहीं रहता, साधन सारे बंद थे। नई वेरायटी मतलब इंसान कैसे बना रहा है, जब काम ही बंद था। मेन जो लॉकडाउन का पीरियड था उस टाइम में राखी की मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उस टाइम काम बंद हो गया, इंसान कैसे नहीं मिली। बस ये जो नया पुराना है ये सब था मिक्स है, बाकी सब कुछ कॉपी है। और चाइनीज लोग बिल्कुल भी अभी नहीं लेना पसंद कर रहे हैं, बल्कि बहुत बढ़िया।